छावणी भागातील होलीक्रॉस इंग्रजी शाळेमध्ये प्रवेशासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांपेक्षा अधिक शुल्क आकारले जात असून याकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून कारवाई करण्याची गरज असल्याची पालकांनी मागणी केली आहे. छावणी भागातील इंग्रजी होलीक्रॉस शाळेमध्ये 5वी वर्गाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून 6 ते 6,500 रुपये आकारले जात आहेत अशी तक्रार MCNकडे लेखी स्वरूपात पालक आणि लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्याची शहानिशा करण्यासाठी आज आम्ही होलीक्रॉस शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संवाद साधला असता आमच्याकडून 5वीच्या प्रवेशासाठी 6 ते 6,500 रुपये शुल्क घेण्यात आलं आणि आम्हाला घेतलेल्या पैशाची कोणतीही पावती देण्यात आली नाही अशी प्रतिक्रिया पालकांनी दिली. मेरी नवासी है होलीक्रॉस में, बच्ची अभी जो है तो एडमिशन हुआ है उसका और 20,000 रुपये उससे अभी लिए और भी लोगों से लिए, कम से कम उन्होंने 21 लाख रुपये जमा करे. अब मजबूरी में हमको देना है क्योंकि हमारे महल्ले में जो स्कूल है वो अगर नहीं दिए तो फिर वो धमकी देते कि भाई बच्ची को हम निकाल देंगे. नवासी 20,000 रुपये मेरे से लिए और भी लोगों को और भी लोगों से मेरे सामने लिए लोगों ने पैसे और वो 20,000 रुपये काय के लिए हमने पूछे तो धमकी दे रहे हो तो 20,000 रुपये तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं दिए तो बच्ची को हम निकाल देंगे तुम्हारी नवासी. आज या ठिकाणी इंग्रजी होलीक्रॉस हायस्कूलमध्ये जे विद्यार्थी प्रायमरीमधून हायस्कूलमध्ये गेलेत आणि इथल्या संबंधित मुख्याध्यापिकेने फी सी अवाजवी घेऊन पालकांना इथे त्रास देण्याचं कटकारस्थान रचलेलं आहे, त्यामुळे गरीब पालक हैराण झालेले आहेत आणि ही जी ते फीस घेत आहेत ते अगदी नियमबाह्य फीस आहे. आम्ही याच्या विरोधामध्ये आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यामध्ये आहोत. मैंने अभी ऍडमिशन कराया इधर, मेरे 6,000 मेरे लड़के का है, 6,360 रुपये लिया है इन्होंने. काय के लिए क्या कुछ बोले, कुछ बोला बिल्डिंग फंड बोल के लिया है इन्होंने कि ये आपको पहले से मतलब 5th से लेके 10th तक के लिए चार्ज है बोल के. रिसीट वगैरह अभी कुछ दिया नहीं, किसी को भी नहीं दिया था उन्होंने. मैंने उनसे इस बारे में बात भी किया था लेकिन मैंने ऑलरेडी मैंने पे कर दिया था इसलिए उन्होंने मेरे को नहीं कर डिस्काउंट वगैरह नहीं किया. स्कूल एडमिशन 5th के लिए मेरे से 6,360 रुपये लिए और इंस्टॉलमेंट भी नहीं बोले, डायरेक्ट पूरा भरने लगाए जब तक एडमिशन. चौथी से पांचवी में गया उसके एडमिशन के लिए फीस के लिए. छावणीच्या माजी उपाध्यक्ष किशोर कच्छवा व उपाध्यक्ष मिर्झा रफत बेग यांना विचारले असता होलीक्रॉस इंग्रजी शाळा 5वी ते 10वी पर्यंत अनुदानित आहे तरी देखील प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली 6,000 ते 6,500 रुपये असा मनमानी दर शाळेकडून वसूल केला जात आहे. शिक्षणाधिकारी व पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून शाळेवर कारवाई करावी व नियमापेक्षा अधिक घेतलेला शुल्क परत करावा अशी मागणी केली आहे व लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सर्व नगरसेवक या प्रकरणाची तक्रार शिक्षणाधिकारी व शिक्षक मंत्र्यांकडे करणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली. होलीक्रॉस इंग्लिश स्कूल जो हायस्कूल आहे, 4वी से 5वी में जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो होलीक्रॉस के स्टूडेंट हैं और 5वी में जब उनके एडमिशन के लिए जो प्रोसेस होलीक्रॉस के तरफ से जो चालू है उनके एक बच्चे से वो 6,750 रुपये ले रहे हैं, जबकि वो स्कूल पूरी तरह से ग्रांटेड है, गवर्नमेंट की उसको पूरा 100% अनुदान है, उसके बावजूद भी 6,000 रुपये गरीब बच्चों से और हर 5वीं में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है 4वीं से 5वीं में वो सारे बच्चों से उन्होंने जो है तो 6,000 रुपये जो है तो डोनेशन ले रहे हैं. कई लोगों ने वहाँ पर पालक लोगों ने हमारे पास आकर कंप्लेन दी, ये जो स्कूल जो अपनी मनमानी कारोबार जो कर रहा है और गरीब विद्यार्थियों से जो 5-6,000 रुपये डोनेशन ले रहा है, मैं एजुकेशन ऑफिसर को और यहाँ के माननीय पुलिस आयुक्त को एक विनंती करूंगा कि मेहरबानी करके ये जो गरीब लोगों से जो 6,000 रुपये डोनेशन ये स्कूल बलजबरी ले रही है वो स्कूल के ऊपर कार्रवाई करे. इंग्लिश होलीक्रॉस स्कूल, इनका जो 15 साल से दादागिरी कर रहे स्कूल के अंदर पेरेंट्स के साथ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है. जबकि 50 मरतबा एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेन दे चुके कि ये लोग जो गैर तरीके से पैसे पेरेंट्स से ले रहे, अभी जो ली सिस्टर ने पैसे, जो वहाँ का स्टूडेंट है 4th पास करके 5th में आया,
तो उससे उन्होंने 7,500 रुपये ले रहे, जबकि ये स्कूल ऑलरेडी ग्रांटेड है और उनसे बलजबरी ले रहे, अगर पैसे नहीं देंगे तो एडमिशन नहीं देंगे, वो स्कूल ग्रांटेड है। मैं जब पेरेंट्स के तरफ से, पेरेंट्स कम से कम 100 पेरेंट्स जमा हो गए, हर एक गरीब रिक्शा चलाने वाला ये वो इतने परेशान थे, लोगों ने कर्जे ला के इनके बच्चों का एडमिशन करे हुए, और पूरे वीकर सेक्टर के लोग है, ये गरीब लोग है, उसमें मीडियम क्लास के 60-70% लोग वीकर सेक्टर के गरीब लोग हैं, तो उनसे 7,500 रुपये। मेरी रिक्वेस्ट है पालक मंत्री साहब से, यहाँ के जो खासदार साहब है उनसे, और एजुकेशन ऑफिसर से, कि इनके ऊपर कड़क कार्रवाई की